दोस्तों, अगर किसी कंडक्टिंग वायर का आपको रेजिस्टेंस मालूम करना है तो आपको उस वायर का एरिया और उस वायर की लेंथ तथा उस वायर की स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी पता होनी चाहिए। और आप जानते हैं रेजिस्टेंस का फार्मूला R इक्वल टू रो L अपॉन एरिया होता है। दोस्तों, आप बचपन से पढ़ते चले जा रहे हैं, अगर रेजिस्टेंस सीरीज में है, सपोज आपके पास R1, R2, R3 है, सीरीज में तब होते हैं जब करंट का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता, सारे रेजिस्टेंस में सेम करंट बह रही होती तो रेजिस्टेंस सीरीज में कहते हैं। ऐसे सूरत हालात में जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस यानी इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच का जो रेजिस्टेंस है, जिसको आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कहते हैं, वो R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है। दोस्तों, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस भी आप समझते हैं। अगर सपोज आपके पास तीन रेजिस्टेंस हैं, R1, R2, R3, और आपको ऐसे हालात में पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में इक्विवेलेंट या इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना है, देखें यहाँ पे करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, हर रेजिस्टेंस में अलग अलग अमाउंट ऑफ करंट जा रही, इसलिए करंट डिस्ट्रीब्यूशन है पैरेलल में है। पैरेलल में जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस R होता है, वो 1/R, am I right? 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। दोस्तों, अगर आप इसको हीट करने लगे यानी कि टेम्परेचर देने लगे, तो जो भी टेम्परेचर डिफरेंस होगा, यानी इनिशियली कोई टेम्परेचर 10 डिग्री पे था, हीट किया आपने 25 डिग्री पे ले आए, तो जो 10 25 माइनस 10 जो टेम्परेचर डिफरेंस था और जिसकी वजह से इसमें एक्सपेंशन हो गया था, थोड़ी सी लेंथ बढ़ गई थी, तो ऐसे सूरत हाल में जो रेजिस्टेंस होगा वेरी करेगा क्योंकि लेंथ में कर रहा है। RT = R0 यानी 0 डिग्री टेम्परेचर पे प्लस अल्फा जो है इसका एक्सपेंशन कोफिशियंट होता है, उसको आप डेल्टा टी से गुणा कर दीजिए, तो जो रेजिस्टेंस होगा उस टेम्परेचर डिफरेंस पे आपको वहां पे मिल जाएगा। यानी 25 डिग्री पे चाहिए, 10 डिग्री पे आपको मालूम था तो आप निकाल सकते हैं। आइए दोस्तों, चलते हैं आगे। इस तरीके से आपने चार महत्वपूर्ण फार्मूले रेजिस्टेंस के देखे जो इम्तिहान में बहुत काम आएंगे। आगे बढ़ते हैं। अगर कोई आपके पास रेजिस्टेंस है और इससे करंट फ्लो करेगी तो इसमें क्या होगा, एनर्जी का लॉस होगा, जिसको आप पावर लॉस कहते हैं। पावर लॉस बहुत आसान है, अगर कोई वोल्टेज सोर्स लगा रखा है जिसकी वजह से करंट फ्लो कर रही रेजिस्टेंस में, तो पावर लॉस V = IR। दोस्तों, आप लोग तो ओम्स लॉ से भी वाकिफ हैं, तो वी की जगह आई रख सकते हैं, तो यहाँ आई रख दीजिए, आई एक पहले से था तो I² R हो जाएगा। दोस्तों, अगर हम आई को बदलना चाहते हैं तो V/R लिख सकते हैं, तो इस जगह V/R लिखेंगे तो V² R आ जाएगा। दोस्तों, आप जानते हैं कि पावर इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क डन, यानी कि एनर्जी पर यूनिट टाइम भी कहते हैं, तो इसको भी यूज एनर्जी निकालने में पावर दिया हो, समय मालूम हो, तो आप एनर्जी लॉस निकाल सकते हैं। और आपने कहा कि अगर हमें W चाहिए, फॉर्मूले को से आप लिख सकते हैं पावर इनटू टाइम। बेसिक फार्मूले हैं, ध्यान में जरूर रखिएगा, सवाल अक्सर पूछे जाते हैं। दोस्तों, अगर आपके पास एक सेल है तो आप जानते हैं एक सेल है जिसका EMF E कहते हैं आप बेटा, और इससे फ्लो होने वाली करंट को आई कह देते हैं। आप जानते हैं सेल का एक इंटरनल रेजिस्टेंस भी होता है, क्योंकि कोई चीज सुपर कंडक्टर नहीं है, रेजिस्टेंस EMF सेल बनाते हैं, उसके अंदर केमिकल डालते हैं, वो एक रेजिस्टेंस का काम करता है। आप कहते हैं कि जो टर्मिनल्स हैं आपके पास सेल के, सपोज AB, इनके बीच में जो पोटेंशियल मिलता है उसको आप टर्मिनल वोल्टेज कहते हैं। ये टर्मिनल्स हैं, इसको आपको टर्मिनल वोल्टेज बोलते हैं। तो टर्मिनल वोल्टेज इज गिवन बाय EMF सोर्स माइनस I × R। अगर करंट बह रही होगी तो इंटरनल रेजिस्टेंस में पावर लॉस होगा, पोटेंशियल का लॉस होगा, तो वो उतना अमाउंट घटा देते हैं। अब देखिए, अगर सर्किट ओपन है, ओपन सर्किट में करंट क्या होती है, जीरो होती है। करंट तो क्लोज सर्किट में बहती है, ओपन सर्किट में करंट जीरो हो गई, तो
तो वी इज इक्वल टू आई जीरो हो जाएगी, तो ईएमएफ के बराबर होगा, यानी कि ये टर्मिनल वोल्टेज बैटरी के ईएमएफ के बराबर होगा। करंट निकालनी है तो बेटा क्या करोगे? कह लगे सर कुछ नहीं करेंगे, एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा देंगे, इसके थ्रू करंट सर्किट क्लोज हो जाएगा, करंट बहने लगेगी। अब बेटा यहाँ पे दो सूरत हाल है, अगर ईएमएफ मालूम है तो आप निकाल लेंगे ओम्स लॉ से, ई टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट, देखिए आई है, ई इंटरनल आर है, तो आर प्लस इतना। आपने कहा सर हमको एक चीज मालूम है, ए बी के बीच में और इस दो पॉइंट के बीच में सेम पोटेंशियल होगा, तो अगर हमको इसमें देखेंगे टर्मिनल वोल्टेज बी है तो इस इन दो पॉइंट के बीच में भी बी होगा, और आई करंट है, आर रेजिस्टेंस है, तो आई निकालना बहुत आसान हो गया, बी अपॉन आर हो गया। एक चीज और ध्यान रखिएगा, जब इस सेल को यू कर रहे हैं तो ये डिस्चार्ज हो रहा है, अगर आपको चार्जिंग करनी पड़ गई, आपके पास एक सेल था उसको आप चार्ज करने लगे, यानी ईएमएफ, तो ऐसे सूरत हाल में जो वोल्टेज होता है वो ईएमएफ प्लस आई आर होता है। ये वाला केस डिस्चार्जिंग का है, समझ रहे हैं, और जब आप इसको चार्ज करेंगे तो उस समय ये प्लस हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, अक्सर बच्चा गलती करता है। आइए सर आगे चलते हैं, व्हीट स्टोन ब्रिज की बात करते हैं। तो व्हीट स्टोन ब्रिज में आपको मालूम है कि चार रेजिस्टेंस ले लें और उसको एक रेक्टेंगल फॉर्म में जोड़ लेते हैं, दो पॉइंट के बीच में आप एक ईएमएफ सोर्स लगा दीजिए और बाकी बचा दो पॉइंट उसके बीच में आप एक गैल्वेनोमीटर लगा दीजिए। दोस्तों गैल्वेनोमीटर का कोई सुपर कंडक्टर तो है नहीं, कोई ना कोई रेजिस्टेंस होगा, am I right? अगर आप कहते हैं कि हमारे पास ये रेजिस्टेंस P है, C और P के बीच में Q लगाए, यहाँ पे R है, यहाँ पे S है, तो सबसे इंपॉर्टेंट यह कंडीशन होती कि ब्रिज बैलेंस है। ब्रिज बैलेंस का मतलब है कि गैल्वेनोमीटर से करंट नहीं बह रही है, तो यहाँ पे ब्रिज बैलेंस होगा तो तीन बातें आपके सामने उभर के आएंगी। पहली इंपॉर्टेंट बात कि गैल्वेनोमीटर में करंट नहीं बहेगी, तभी कहते हैं ब्रिज इज बैलेंस, इसमें बहने वाली करंट जो है वो जीरो हो गई है, आप इस तरीके से एडजस्ट करते हैं। करंट किस दो पॉइंट के बीच में बह रही है? सी और डी के बीच में, तो इसका मतलब है कि पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है। पोटेंशियल डिफरेंस जीरो कब होगा? जब पोटेंशियल एट बी और पोटेंशियल एट सी बराबर होगा। ऐसे सूरत हाल में जब आप फिर चापला लगा के देखते हैं तो जो रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस है पी अपॉन क्यू इज इक्वल टू आर अपॉन एस होगा। तो जब भी कहते हैं व्हीट स्टोन ब्रिज में ब्रिज बैलेंस है तो ये तीन बातें होंगी, इस बात को ध्यान रखिएगा। यहाँ एक बात और ध्यान रखने बात है, अगर बीच में जो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस जी दे रखा है, ब्रिज बैलेंस है, तो ये खत्म हो जाता है। जब ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो पी और क्यू सीरीज में हो जाएंगे, आर और एस सीरीज में हो जाएंगे, उसके बाद आप पैरेलल कॉम्बिनेशन से आराम से निकाल सकते हैं रेजिस्टेंस को। दोस्तों मीटर ब्रिज भी व्हीट स्टोन के सिद्धांत पर आधारित है, करा केवल ये गया है कि दो रेजिस्टेंस को 100 सेंटीमीटर वायर से रिप्रेजेंट कर दिया गया है, रिप्लेस कर दिया गया। अगर एक आप 100 सेंटीमीटर का वायर ले लेते हैं, इसके क्रॉस आप एक ईएमएफ सोर्स लगा दीजिए ताकि इसमें करंट बहने लगे। अब आप एक रेजिस्टेंस ले लीजिए जो कि वेरिएबल हो, इसकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं, और एक अननोन रेजिस्टेंस ले लीजिए जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, उसको एस कह देते हैं। करना कुछ नहीं होता है, आपको एक गैल्वेनोमीटर लेना होता है और उससे नल पॉइंट निकालने की कोशिश की जाती है। जैसे ही नल पॉइंट मिल जाएगा यानी डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर जीरो हो जाएगा, आप आराम से इस लेंथ को नोट कर लीजिए। सपोज ए बी आपका 100 सेंटीमीटर का वायर था, ये आपका L हो गया, यहाँ पे नल पॉइंट मिल गया C पे, तो बाकी कितना बचा? 100 माइनस L, बस क्योंकि ब्रिज बैलेंस हो गया, तो आप व्हीट स्टोन ब्रिज के सिद्धांत को लगा सकते हैं, R अपॉन S, L 100 अपॉन L। आप कहेंगे सर वहाँ तो P अपॉन Q R अपॉन S करते थे, यहाँ लेंथ क्यों कर दी? अरे सिंपल सी बात है कि रेजिस्टेंस
जो है स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी अपॉन लेंथ इनटू एरिया होता है, इनटू लेंथ अपॉन एरिया होता है। देखिए ये एक ही वायर है तो रेजिस्टिविटी सेम होगी, एरिया यूनिफॉर्म आप ले लीजिए तो ए भी सेम होगा। तो आप कह सकते हैं सर रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, अगर हम लेंथ नाप लेंगे तो हमको रेजिस्टेंस मिल जाएगा। मैथमेटिकली भी अगर आप यहाँ पे इनकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते तो रो पार्ट ए कैंसिल हो जाता, सेम था, और आपको फाइनली ये फार्मूला मिल जाता। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा आर नोन है, लेंथ आपने निकाल ही ली है, यहाँ पे एक मीटर लगा रहता है जिसको आप नापते हैं, L मिलते ही 100 से घटा लेते हैं, तो जो S अननोन है वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। आइए दोस्तों चलते हैं आगे पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर कहता है कि पोटेंशियल आप नाप सकते हैं मीटर से, यानी लेंथ नापेंगे और पोटेंशियल मिल जाएगा। आप कहेंगे वाह ये कैसे होगा सर, आप जानते हैं V इक्वल टू IR होता है बेटा, आर की वैल्यू आप जानते हैं रो एल अपॉन ए होता है, तो रो तो कांस्टेंट हो गया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वायर कांस्टेंट हो गया, अगर एल भी कांस्टेंट ले लिया, आई को भी कांस्टेंट बना लिया, तो पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ हो जाएगा, यानी कि आप लेंथ नापेंगे और आपको पोटेंशियल मिल जाएगा। यानी आप अगर ए बी एक वायर ले लें यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का, क्योंकि एरिया कांस्टेंट रखना है, अगर इसमें करंट आपकी कांस्टेंट बह गई तो आपका काम बन जाएगा। कांस्टेंट बनाने के लिए आप एक ईएमएफ सोर्स तो लेंगे ही करंट बहाने के लिए, उसमें एक रियोस्टेट लगा दीजिए, एक वेरिएबल लगा दीजिए और एक मिलीमीटर या जो भी करंट का अमाउंट एमीटर लगा दीजिए, इसीलिए हमने ए लिख लिया, इसको फिक्स कर लीजिए। कांस्टेंट करंट इसके अंदर अगर फ्लो कर रही है तो आप इसके क्रॉस ड्रॉप होने वाली लेंथ से वोल्टेज निकाल लेंगे। हाँ इतना ज़रूर करना पड़ेगा आपको, आपको पहले निकालना पड़ेगा पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालना पड़ेगा, यानी पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ। अगर हम मान लें ए और बी के बीच में पोटेंशियल ईएमएफ ई लग रहा है, कहीं ड्रॉप नहीं हो रहा है, तो लेंथ अगर वायर की आपने एल मानी है बेटा, आपका काम बन जाएगा ई अपॉन एल पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ ग्रेडियंट हो गया। अगर किसी सेल का ईएमएफ निकालना है तो आप बड़े आराम से निकाल सकते हैं, गैल्वेनोमीटर लगा दीजिए और नल पॉइंट निकालने की कोशिश कीजिए, जहाँ पे नल पॉइंट यानी कि गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन ज़ीरो हो जाएगा, उस लेंथ को नाप लीजिए, क्योंकि ये वाला पोटेंशियल जो ड्रॉप हो रहा है वो ईएमएफ के बराबर होगा, तभी करंट नहीं फ्लो करेगी। ऐसे सूरत हाल में आप E1 को निकाल लेंगे, ग्रेडियंट आपको मालूम है, L1 आपको लेंथ है, जहाँ पे आपको मिल रहा है, आपका काम बन गया। इसी तरह आप दो सेल के ईएमएफ को कंपेयर कर सकते हैं, एक ऐसी की लगा लीजिए जो टू वे की हो, जब चाहे इधर कर लिया जब चाहे इधर कर लिया, इसको जोड़ लिया। माफ़ कीजिएगा मैं एक ही डायग्राम में बना रहा हूँ, डिटेल्स आपको मिल जाएंगे हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स फंडा पे, बहुत सारे वीडियो बने हैं। तो अगर आप इसका भी निकालना चाहते हैं E2, तो आप कह सकते हैं E1 अपॉन E2 L1 अपॉन L2। याद रखिएगा नीट में भी सवाल आया था इस बार, बच्चे गलत कर आए थे, तो E1 अपॉन E2 इक्वल टू L1 अपॉन L2। तीसरी चीज, आप इंटरनल रेजिस्टेंस भी निकाल सकते हैं किसी ईएमएफ सोर्स का। उसके लिए क्या करते हैं, आप पहले बार L1 निकालते हैं, यानी कि कोई संट नहीं लगाते हैं, ठीक है, केवल आपने इसको लगा लिया, उसके L1 निकाल लिया, फिर उसके बाद आप एक इसको आप थोड़ी देर के लिए भूल जाइए E2 को, क्योंकि रेजिस्टेंस तो एक ही निकालेंगे, एक संट लगा दीजिए, इससे आप ईएमएफ निकाल लीजिए, उसकी नल पॉइंट निकाल लीजिए L2, तो इंटरनल रेजिस्टेंस हो जाता है इस संट की वैल्यू L1 माइनस L2 अपॉन L2, ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों मीटर ब्रिज में पोटेंशियोमीटर्स में आपके चार फार्मूले ध्यान में रखिएगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट, हाँ ये मान के चल रहे हैं यहाँ पे पोटेंशियल ईएमएफ पूरा लग रहा है, कहीं ड्रॉप नहीं हो रहा है, कहीं निकालना है तो ग्रेडियंट L1 कंपेयर करना सबसे आसान है, और रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस S L1 माइनस L2। तो दोस्तों अगर यहाँ तक आपने देख लिया है तो इसका मतलब वीडियो पसंद आ रहा है, तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, और हाँ
नए नए इस तरीके के वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।